नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और मैं हूं आपका होस्ट मनमीत सिंह। दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पे नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा बिजनेस है वो है पेपर नैपकिन मेकिंग बिजनेस। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये टिशू पेपर रेडी है। ये टिशू पेपर बनाने का मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। मतलब आपने सिर्फ 10x20 के कमरे में ये एक मशीन लगानी है और इसमें एक मशीन के अंदर आपका अलग अलग साइजेस के नैपकिन तैयार हो जाते हैं। ये है हमारा टिशू पेपर मेकिंग मशीन। चलो मैं अभी इसका आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ, इसमें क्या मार्जिन रहेगा वो समझाता हूँ, इसका वर्किंग कैसे रहता है वो आप अच्छे से देख लो। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हो, ये है पेपर नैपकिन का रोल, टिश्यू पेपर का रोल। ये इतना बड़ा रोल होता है, इसको मशीन के ऊपर लगाना होता है और मशीन ने इसको खुद ब खुद पेपर खींच के, ये हमारा प्रिंटिंग का सेक्शन है। अगर आप प्रिंटिंग के बिना भी लेना चाहते हो तो प्रिंटिंग के बिना भी मिल जाएगा। ये प्रिंटिंग का सेक्शन है, इसमें आप सिंगल कलर, टू कलर का प्रिंटिंग करना हो तो वो भी लग जाता है। मतलब प्रिंट करके आगे आपका जो टेक्सचर बना होता है नैपकिन के ऊपर, ये जितना भी डॉटेड टेक्सचर है आप नैपकिन के ऊपर देखोगे, जितना भी डॉटर टेक्सचर ऐसे का सारा बना होता है, तो उसको सारा हम कहते हैं एम्बोसिंग। ये सारा एम्बोसिंग का सेटअप है। पहले नैपकिन के ऊपर प्रिंटिंग होता है, देन एम्बोसिंग होता है, देन यहाँ से आगे फोल्ड होके नैपकिन यहाँ पे तैयार होके बाहर निकलता जाता है। इसका वर्किंग वीडियो देखोगे आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। फुली ऑटोमेटिक मशीन होता है, सारा काउंटर लगे रहते हैं, ये सेंसर है, सेंसर के आगे काउंटर लगे हुए हैं। जितने जितने नैपकिन ये तैयार करके निकालता जाएगा उतना इसमें आपका शो होता रहेगा। ये आप पैनल पर देख सकते हो, सारे काउंटर लगे हुए हैं, सारे इसमें सीमेंट्स का पैनल रहता है। मोटर हमारा ये देख सकते हो सारा क्रॉम्पटन का लगा रहता है, कोई लोकल सामान नहीं है। मतलब सारा जितना सामान है सारा स्टैंडर्डाइज और सारा कंपनी का रहता है। और सारा पेपर लगने के बाद यहाँ से नैपकिन बन के आगे आपका तैयार यहाँ पे निकलता जाना है। ये बैंडसो का मशीन है, इसमें नैपकिन आधे से हाफ से कट होता है और कट होके ऐसे बाहर आता जाता है। इसका वीडियो आगे देख सकते हो। तो ये है पूरा कंप्लीट नैपकिन मेकिंग मशीन, जिसमें आप देख सकते हो कि टिश्यू पेपर कैसे तैयार होता है, इसमें आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, क्या इसमें मार्जिन रहता है, कैसे इसमें आपका प्रॉफिट रहता है। तो चलो अभी इसमें मैं मार्जिन का आपको बता देता हूँ। नैपकिन के जो बैग हैं वो आप देख सकते हो, ये ऐसे के पॉलीथीन आते हैं जिसमें हम नैपकिन को डाल के उसको पैक करके और मार्केट में आके सेल करते हैं। जैसे कि अभी आप प्रिंटिंग करवाना चाहो, जिस भी नाम से आपने करवाना हो वो सारा प्रिंट हो जाता है, ऐसे के बैग आते हैं नैपकिन के। तो इसके अंदर हम जैसे 50 का पैकेट बनाना है, 100 का बनाना है, 150 का बनाना है, यहाँ से उठाएंगे, उठा के पैकेट के अंदर पैक करके इसको सील करके मार्केट में आके सेल करेंगे। सिर्फ इतना सा ही काम है, मशीन ने सारा काम करना है, आपका सिर्फ काम पैकिंग करने का है। पैक करने के बाद हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारा पेपर है, ये दो तरह का आता है, एक सॉफ्ट आता है और एक हार्ड आता है पेपर। ये हमारे पास अभी सॉफ्ट के सैंपल पड़े हुए हैं। ये जो है जितना सॉफ्ट पेपर है, इसमें सिंगल प्लाई, डबल प्लाई जितने भी आएगी उसके पीछे आप उतने रोल लगाओगे और वो खुद ब खुद बना के निकालता जाएगा। अभी आप इसमें देखते हो, ये हमारा है सिंगल प्लाई का सॉफ्ट में, और इस पेपर का जो रेट है अभी के टाइम में 90 रुपीज़ पर केजी के आसपास मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि जो भी साइज़ आपने बनाना हो, बड़ा छोटा, वो सारा मशीन में सेट करके तो आप अलग अलग साइजेस के इसमें निकाल सकते हो। तो इसके बाद आपका जो होता है एम्बोसिंग के बाद पूरा सेटअप होने के बाद आपका उसके बाद आता है हार्ड पेपर। एक जो जो इसका आपका जो क्वालिटी है वो नीचे होता है, वो तकरीबन आपको 70 रुपीज़ पर केजी के आसपास मिल जाता है। और हमारा एक केजी के अंदर कम से कम 700 से 750 नैपकिन तैयार होते हैं, जो हम इस साइज़ के आप देख सकते हो जो मेरे हाथ में भी है। ये साइज़ का आपका तकरीबन 700 से 750 पीस एक केजी के अंदर तैयार होते हैं, चाहे वो सॉफ्ट हो या चाहे हार्ड हो। GSM इसमें तकरीबन 17 से 20 के बीच चलता है, जो भी आप लेना चाहते हो, जैसे का भी आपके लोकल में चलता है आप वो लगा के तो अपना इसमें सेटअप शुरू कर सकते हो। तो आपको एक के पैकेट जो हमारा है 50 का या 100 का, उसके पीछे कम से कम भी 2 से 3 रुपये का मार्जिन होता है। और आपका एक केजी के अंदर अगर आप 100 की पैकिंग करते हो तो आपके 7 पैकेट तैयार हो जाते हैं। तो आपका पर केजी के पीछे कम से कम भी अगर हम 2 रुपये मार्जिन लेके चलते हैं तो 14 से 15 रुपये का एक केजी के पीछे आपका मार्जिन होता है। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, सिर्फ एक आदमी लगा के आप दिन का कम से कम भी 4 से 5 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हो।
मतलब कोई इसमें सिर दर्द नहीं है, कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई सेलिंग की नहीं है आपको, कोई कस्टमर आपको प्रिंटिंग के साथ मांगता है नैपकिन उसको आप प्रिंट करके दे सकते हो, कोई विदाउट प्रिंटिंग मांगता है तो आप इसको प्रिंटिंग का ऑप्शन इसको डिटैच करके भी विदाउट प्रिंटिंग का भी इसमें नैपकिन निकाल सकते हो, सारा आपके ऊपर है। यहाँ पे ये प्रिंटिंग प्लेट लगेगा इधर, और इधर आप देख सकते हो यहाँ पे इंक डलेगा, ये सारा इंक का रोलर है, इंक इसमें डलेगा, जो भी कलर आप इंक डालोगे वैसे के इसमें प्रिंट होके नैपकिन के ऊपर यहाँ पे आपका प्रिंटिंग प्लेट लगेगा, प्रिंट होके और आगे बाहर पे निकलता जाएगा। मतलब कोई इसमें टेक्निकली काम नहीं है, टेक्निकली नॉलेज नहीं चाहिए आपको, मतलब आप घर बैठे इसको इतने से एरिया में मशीन लगा के इसको आसानी से सेटअप कर सकते हो, बहुत ही आसान काम है। इसे आप करना चाहते हो और डिटेल चाहिए आपको तो आप हमारे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसी नंबर पे हमारे टेक्स्ट भी है, तो आपको जब मर्जी हमें कॉल करें, हम इसके बारे में सारा डिटेल में आपको बताएंगे, क्या इसका प्रॉफिट मार्जिन है, क्या कैसे कैसे इसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कैसे इसकी सेलिंग होती है, सारा डिटेल में आपको इसका प्रोजेक्ट बताएंगे, तो फिर आप इसको शुरू कर सकते हो। मतलब इसको लेडीज़ लगाना चाहे लेडीज़ भी लगा सकते हैं, जेंट्स करना चाहे जेंट्स भी कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 लाख के अंदर इसका मशीन का सेटअप आ जाता है, उसके बाद 1-1.5 लाख का रॉ मटेरियल लेके आप 6-6.5 लाख के अंदर इसको पूरा सेटअप कर सकते हो, जिससे आपको पर डे का 3 से 4 हज़ार रुपया आसानी से आ सकता है। तो बहुत ही आसान काम है, इसको आप जब मर्जी शुरू कर सकते हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे प्लांट पे विजिट भी कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास और भी मशीनें रेडी रहती हैं, जैसे ये मेरे पास अभी पड़ी है अल्मीनियम फॉयल रिमाइंडिंग का, जो किचन पेपर अल्मीनियम का फॉयल होता है ये उसका मशीन रेडी हो रहा है, इसके भी पीछे आपका रोल लगेगा, रोल लग के आगे जितने जितने साइज़ के आपने किचन फॉयल बनाने हैं, जितने जितने मीटर्स का आपने रोल तैयार करना है, तो बड़े रोल से रिमाइंड करके छोटे रोल में यहाँ पे आपका डलता जाएगा, ये कटर लगा होता है इसमें बाद में कटिंग हो जाता है, और इसमें आपने कोर डालना है ऊपर से, जो अंदर वाला गत्ते का कोर होता है वो आपने डालना है यहाँ पे, इसमें खुद को खुद रिमाइंड करके जितने मीटर आप इसमें फीड करोगे उतने मीटर के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये भी फुली ऑटोमेटिक मशीन है, ये तकरीबन आपका 2.5-3 लाख के अंदर अंदर ये पूरा सेटअप हो सकता है, ये मतलब मान के चलो आपका 10x10 का भी कमरा है, उसमें आप ऐसे की 2 मशीनें लगा के भी इसमें आपका 2 से 2.5 हज़ार रुपया कमा सकते हो। उसके बाद मेरे पास आपका पेपर प्लेट का भी मशीन है, डोना पेपर का, ये भी आप देख सकते हो, ये भी हमारे पास डबल डाई में फुली ऑटोमेटिक वाला हाइड्रोलिक वाला है, जिसमें पीछे रोल लग के खुद ब खुद बन के आगे निकलते जाएंगे। इसमें आप बफे प्लेट बनानी है, जैसे पूरी हार्ड प्लेट है बफे प्लेट भी बन जाएगी, उसके बाद आपका जो नॉर्मल प्लेट है वो भी सारी इसी में बन जाएगी, डाइस चेंज करके जैसे का भी निकालना चाहो वो बन जाएगा आपका। एंड उसके बाद हमारे पास पेपर कप का भी मशीन रेडी होता है, आप देख सकते हो सारे पेपर कप का मशीन है, अलग अलग साइजेस के कप बनाने हो वो सारे बन जाते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 65 ml का भी मशीन है बॉटम का, 65 ml में आप बड़ा साइज़ का कप बनाना है, छोटे साइज़ का कप बनाना है, वो सारा आप इसमें बना सकते हो। ये जैसे बड़े हैं इसका बॉटम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, और ये इसके लिए अलग मशीन लगेगा, मतलब अलग अलग साइज़ के लिए आपको ज़्यादा कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, एक में ही आपके सारे अलग अलग कप बन सकते हैं, बॉटम का साइज़ सेम रहना चाहिए, इसमें आपके अलग अलग जैसे जितने ये कप बड़े छोटे बड़े हुए हैं ये सारे इसी मशीन में आपका तैयार हो जाते हैं, मतलब आपको अलग अलग सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा पूरा सेटअप, मतलब जिसमें आप डिस्पोजल की सारी मशीनें ले सकते हो, उसके बाद पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करना है उसकी मशीन भी आप खरीद सकते हो। ये देखो जैसे ये लैमिनेशन का मशीन है, आप पेपर प्लेट का जैसे रॉ मटेरियल सिल्वर पेपर खरीदते हो, ये 2 मटेरियल से तैयार होता है, एक उसके ऊपर जो आप सिल्वर की फिल्म देख रहे हो ये चीज़ होती है, और एक बैक साइड आपका जो क्राफ्ट पेपर होता है ये चीज़ होती है, इन दोनों को साथ में अटैच करने के लिए ये हमारे पास होती है सिल्वर पेपर रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए लैमिनेशन मशीन। इसमें पीछे एक आपका फिल्म का रोल लगेगा, आगे एक क्राफ्ट पेपर का रोल लगेगा, और तैयार होकर पीछे आपका ऐसे की फिल्म तैयार हो जाएगी जिसको आप पेपर प्लेट में ले जाकर उसमें कटिंग कर सकते हो। तो अलग अलग साइजेस के रोल आपने निकालने हो तो अलग अलग साइजेस के लिए इसमें सेटिंग हो जाती है, सारे कटर वगैरह लगे रहते हैं। अभी ये सारी डिस्पैच के लिए रेडी है, पूरी रैपिंग की हुई है, मतलब ये अभी पार्टी की जानी है यहाँ से, तो उसी वजह से सारी ये रैप करके हमने रखी हुई है। उसके बाद हमारे पास नोटबुक की भी मशीन, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी, सारी मशीनें हमारे पास इन हाउस रेडी होती है। ये आप देख सकते हो नोटबुक का मशीन रेडी हो रहा है, पेपर कटिंग मशीन जिसमें हम नोटबुक कटिंग करते हैं, वो पीछे वायर नेल का जो लोहे का कील बनता है उसका मशीन रेडी हो रहा है,
मतलब सारी जितनी मशीनें सारी इन हाउस बनती है, जिस जिसका ऑर्डर आता है तो उसको हम मशीन रेडी कर देते हैं। तो आपने किसी भी मशीन को ऑर्डर करना हो हमें व्हाट्सएप पे बताएं, उसका 30% एडवांस दें और मशीन हम रेडी कर देते हैं, बाकी बैलेंस पेमेंट करें, फिर मशीन यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। सारी कोई भी मशीन आपको चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये था हमारा सेटअप सारा डिस्पोजल मशीन के बारे में, जो मशीन हमने दिखाई सारी आपको कैसे बनती है, क्या है, कैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो और जानकारी के लिए, पर्टिकुलर एक मशीन की जानकारी के लिए, आप हमें जब मर्जी कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पे जब मर्जी कर सकते हैं। इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।